Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Oppo F17 was in the news for a couple of reasons. First, due to the report that it will ditch the MediaTek processor in favor of a Snapdragon mid-range series processor. This time, Oppo is using Snapdragon processor for better performance and a smooth experience for the user who want to buy the Oppo F17 series smartphone. Also, we learned that Oppo is ditching the USB notch display to get a edge-to-edge full-screen display of the Oppo F17 series smartphone. Aur Oppo F17 ki design mein kaafi sare changes एंड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो इस बार ये सीरीज की स्मार्टफोन पे काफी सारे बदलाव लेके आएगा जो फोन की लुक को काफी एनहांस करता है और ऐसे ही ओप्पो स्मार्टफोन पे देखने को मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ओप्पो F17 इस बार थोड़ा लेट लॉन्च होगा क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से पूरा वर्ल्ड अभी मार्केट बंद होने के कारण अभी लोग फाइनेंशियली उतना स्टेबल भी नहीं है और अभी कोई नहीं चाहेगा कि कोई स्मार्टफोन के लिए कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना या फिर किसी नया स्मार्टफोन को परचेज करना और ये फोन को थोड़ा लेट लॉन्च करने में ही ओप्पो की समझदारी है और ओप्पो का ये डिसीजन अभी बिल्कुल सही लग रहा है। और रिपोर्ट के हिसाब से ओप्पो F17 का बेस वेरिएंट थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये फोन पे मिलेगा आपको 6GB रैम विद 64GB एंड एक और वेरिएंट जो 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में भी आएगा, लेकिन ये 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको काफी कम कीमत पे मिलेगा जो ओप्पो इस बार थोड़ा सस्ते प्राइस पे लॉन्च करने जा रहा है। अब अगर बात करते हैं ये फोन की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो पहली बात करते हैं फोन की प्रोसेसर की, जो आपको मिलेगा एक स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट मिड रेंज सीरीज प्रोसेसर और यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिला है ये काफी फास्ट है जो एक 5G वेरिएंट के साथ भी देखने को मिल सकता है। ओप्पो F17 में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा और ये प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ में आपको और भी कैमरा सेंसर मिलेगा जो एक है सुपर अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर और इसके साथ में आपको एक मोनोक्रोम कैमरा सेंसर भी देखने को मिलेगा। ये कैमरा सेंसर के साथ एक डेप्थ कैमरा सेंसर भी मिलेगा फॉर बेटर डेप्थ मेजरमेंट और ये सभी कैमरा सेंसर आपको एक कंबाइन होकर बेहतरीन फोटो देगा जो ओप्पो F17 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ओप्पो F17 में आपको एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो ये फोन की एक और पहचान होगा कि इतने कम कीमत की फोन पे आपको ऑप्टिकल टाइप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जा रहा है तो ये ओप्पो F17 को एक अलग पहचान देता है कि इतने कम कीमत की फोन पे आपको ऑप्टिकल टाइप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।